देखेगा आपके बच्चे की किस तरह की मूवमेंट है, उसकी बोन्स कैसी हैं। एक्सरे अब्दुल समद चलता है, ये मेरी कामयाबी नहीं, हम सब की कामयाबी होगी। अस्सलामु अलैकुम, नई सुबह के साथ, नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन हैदर सर हाजिर है। किचन में आई थी जनाब, आई थी किचन में चाय बनाने को, पर गैस ही देखें कितना स्लो स्लो आ रहा है। बच्चे सो रहे थे, मैंने कहा बच्चे सो रहे हैं, अम्मी गई हुई हैं खाला के घर, तो मैंने कहा चले मैं चाय बना के चाय इंजॉय करती हूँ, पर जनाब गैस ही नहीं है। और सोचा था रोटी भी पकाऊंगी साथ, लेकिन अब गैस नहीं है, सोची हूँ चाय बन जाए तो ब्रेड पड़ी है, बस एक पीस ब्रेड का खा लूँगी। तो सब बच्चे अभी उठे नहीं हैं, जब उठेंगे तो मैं उनको नाश्ता बना दूँगी। मैं साथ साथ अपनी वीडियो भी एडिट कर रही हूँ, रात को जनाब फिर थोड़ी सी की और सो गई, अभी बैठ के वीडियो भी एडिट करनी है कि वीडियो चुहा सकूँ, साथ नई नई बना सकूँ। और शॉर्ट्स पर मैंने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, शॉर्ट्स पे भी काम करना है और टफ जॉब है ये, टफ जॉब। चुचू चुचू चाचा घर में चूहा नाचा, ये जना ओ मैडम ने पता नहीं मारा डब्बा के दे छोड़ा ऊपर। हेलो जी, छोटी वाली कॉ मैडम तो एकदम उठी हैं, जैसे मैं बहुत कुछ लेके आई भाई, थोड़ा सा ही लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, ये हमारा कॉ मैडम का बेटा, आज आपको भी डालती हूँ, आपके लिए भी लेके आई हूँ। आज आप लोग भी मुझे मारो, तो जनाब नमाज वगैरह पढ़ ली जोर की और बस अब खाना बना ले रखी हूँ। तो जनाब ये देखें, ये जनाब खा रहे हैं चूरी। क्या खा रहे हैं? चूरी। मियां मिठू क्या खा रहा है? चूरी। हाँ, और हम खा रहे हैं रोटी और चाय, और बीच में मैंने डाला है थोड़ा सा अचार। और दिन के हो रहे हैं 2:30। सुबह गैस नहीं था, हमने बस वही चाय और ब्रेड खाई, बस अभी भूख लगी हुई थी, हमने कहा चलो ये वाला काम कर लेते हैं। सबसे पहले हारिम की जो एक्सरसाइज करने के लिए जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने हारिम के लिए बताई है, हाथ से ये जो इसका पाँव है, चूँकि देखें इसका पाँव की शेप टेढ़ी है, हाथ से इसके पाँव की शेप थोड़ी सीधी करके फिर टाइम टाइम एक ए, नहीं ना। दो एक्सरसाइज हो रही है ना, तीन चार पाँच और फिर यही इसी तरह हाथ पांव पकड़ के सीधा, ये भी 10 टाइम्स। यारा चुप करे ना, और फिर 10 टाइम ये वाली एक्सरसाइज करना, दोनों हाथ उठ गए, आपने 10 टाइम रिपीट करनी है। मैं अब मेरी तरफ लगा लूँ तो दूसरे पाँव की उसी तरह 10 टाइम करनी है। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी आप जो फिजियोथेरेपी क्या करवाती हैं, पाँव का इलाज कहाँ से करवाएं? अगर जिनके बच्चों को ये मसला है पाँव का, ये ज़रूरी नहीं फोड़े वाले बच्चों को हो, बाद बच्चों को इस तरह भी होता पाँव टेढ़े, जहाँ से रिहेबिलिटेशन जो होता है सेंटर,
वहाँ से इन बच्चों का इलाज होता है, जहाँ पर नकली टांगे वगैरह ये चीज़ें बनती हैं। आप बच्चों को वहाँ लेके जाएं, वहाँ से वो डॉक्टर देखेगा आपके बच्चे की किस तरह की मूवमेंट है, उसकी बोन्स कैसी हैं, एक्सरे करेगा, फिर वो आपको बच्चे की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी बताएगा, वो आपने करवानी। अब ज़रूरी है जो मेरे बच्चे की होती है आपके बच्चों की भी वही हो। तो सबसे पहले आप रिहैबिलिटेशन सेंटर जो आपके इलाके में हो, जैसे लाहौर में भी है, यहाँ पर पिम्स में भी है, वहाँ पर आप जाएं, इस्लामाबाद में भी है, पिम्स के साथ ही है, तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बच्चे को चेक करवाएं, वो ख़ुद आपको एक्सरसाइज बताएंगे और फिर बताएंगे आपके बच्चे का इलाज कैसे हो सकता है, वो कब तक चलेगा, किस तरह चलेगा। मैं खुद डॉक्टर तो नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ। अब मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमसे बात करें, हमें बताएं। देखिए मैं आपको क्या बता सकती हूँ, इतना ही बता सकती हूँ जितना मुझे अब्दुल समद के बारे में पता है, लेकिन आपके बच्चे की क्या कंडीशन है क्या है वो डॉक्टर ही देख के आपको बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? सब खैरियत है? एक दो गिनो। तीस, 26, 27, 28, 29, 30। आगे 31, 33, 34, 39, 40। ये कौन सी गिनती है? अरे अरे ये कौन सी गिनती है? जरा आंटी को बताओ मैंने कैसे गिनती गिनी है। सही ठीक ही नहीं है गिनती? आंटी से पूछो, आंटी मैंने गिनती सही गिनी है? पूछो आंटी मेरी गिनती है। मैं ठीक बोलता हूँ? एक जी बते तेरे जी दी चौबी। आज भी अफान साहब स्कूल गए हैं, हैं स्कूल में टेस्ट देके आए हैं, अब तो अफान साहब स्कूल भी जाया करेंगे। टीचर तो मारा भी करेगी अफान को, जाली बाग का को नहीं मारेगी पक्का। हाँ जाली बाग तो जनाब निकलना था जल्दी मगरब से, पहले पहले पर मगरब हो गई, खाना बनाते टाइम लग गया। अब्दुल समद ने बहुत तंग किया हुआ है, तो मैंने कहा सब बच्चों को कहा चले निकल लें, थोड़ी देर वॉक शॉक करके आते हैं। अब्दुल आहद की बैग यकम को है, फर्स्ट मई को, और मुझे लग रहा था जनाब के 15 मई को है, और अभी उसने मुझे बताया 15 मई को ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कहा पढ़ रहा था रात को, मैंने कहा चलो वॉकशॉप करो हमारे साथ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। है तो रात के टाइम ये वैसे ये इतनी अच्छा ये आ नहीं रहा इस टाइम, मेरा मोबाइल से शायद रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिला जितना ये देखने में रियल में ये चीज़ अच्छी लग रही। ये देखें जनाब हमारे मालो साहब कहाँ बैठे हैं। मालो साहब बाइक स्टार्ट करने लगे, वो मालो को खुशबू आई है, देखा ये सारे खुशबू के पीछे है, ये जो कलेजियाँ लेके आए हैं। The next day. जनाब तो ऐसा है कि कल मैं ब्लॉग एंड कर नहीं पाई और गेस्ट आ गए थे उनके साथ भी लग गई, फिर मोबाइल की स्टोरेज बहुत ज़्यादा थी, लैपटॉप पे करने की कोशिश की, कुछ तस्वीरें थी दिल में नहीं कर रहा था डिलीट करने का, लैपटॉप में करने की कोशिश की वो भी नहीं हुई, और दूसरे किसी मोबाइल में व्हाट्सअप भी नहीं हो रही थी। तो जनाब इसी में लगी रही जिसमें मैं रात के तकरीबन 2-3 बज गए मुझे और व्लॉग एंड नहीं कर पाई, मोबाइल की बैटरी मेरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो मोबाइल ऑफ हो गया तो मैं भी सो गई। तो अभी मैंने सुबह उठ के कपड़े धोए, फिर मैंने कहा व्लॉग का एंड कर दूँ। स्पोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं है स्पोर्ट के तौर पे कि इतना आप करें मेरे व्लॉग्स को आगे लेके जाएं, शेयर करें और उसको पूरा पूरा देखें बगैर स्किप किए बगैर देखें, ताकि मैं इतना कर सकूं कि मैं अपने बच्चों के एजुकेशन, अब्दुल समद का इलाज और ये चीज़ें कर सकूं। देखें मैं जानती हूँ बहुत लोग मना रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद और आगे भी जाके मैंने बहुत सोचा, मैंने ये सोचा हुआ है अपने लिए नहीं, अब्दुल समद की तरह के और बच्चों के, वो मैं अलग व्लॉग बनाऊंगी जो मेरी सोच है। मैंने सोचा था जब हो जाएगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैंने सोचा
शायद पता नहीं मैं वो उस मुकाम तक पहुंच सकूं ना पहुंच सकूं, और अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी मुझे दी हो ना दी हो मैं आपसे शेयर ना कर सकूं। तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना के बताऊंगी कि अगर मेरी यूट्यूब की इनकम आती है अपने बच्चों के बाद फिर मैंने उसका क्या करना है। इनकम से मैंने आगे जाके आपको बताना है कि उसका मैंने क्या करना है, और एक नेक मकसद है मेरे जहन में वो ये कि YouTube बनाने से पहले भी मैं सोचा करती थी और अभी अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो वो मैंने करना है। देखें मैं मानती हूँ अपने पे लगाना कोई गुनाह नहीं है अगर मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के बाद मैंने जो करना है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी व्लॉग में, और बस अल्लाह कामयाबी दे ताकि आप लोग सपोर्ट करें मैं अब्दुल समद का इलाज करवा सकूँ। ये देखें आपका सपोर्ट सिर्फ एक मेरे साथ एक मेरे बच्चों के साथ नहीं होगा, स्पेशली अब्दुल समद के साथ होगा। देखिए मैं यहाँ पर सिंपत्ति लेना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसकी वजह से जॉब नहीं कर पाती। अगर मैं जॉब करती हूँ, पहले भी मैंने इफ्रा को घर बैठाया, 2-3 साल उसके ज़ाया किए, तो दूसरे बच्चों को तो मैंने पहले इंचरा अपने फादर की डेथ से पहले ही यूनिवर्सिटी जा रही थी, और अब्दुल आहद को भी मैंने कंटिन्यू करवाया, लेकिन चूँकि अब्दुल समद को या मैं संभालती हूँ या इफ्रा संभालती है, मैं ना हूँ तो इफ्रा संभालती है, तो उसकी भी ख्वाहिश थी मैं आगे पढ़ूँ। मैंने जॉब की 2 साल स्कूल में, लेकिन स्कूल की जॉब तो ट्यूशन पढ़ाया सेकंड आपके घर चलाने के लिए, और ट्यूशन के साथ आप बहुत मार दाड़ भी कर लें आप कितने ही कमा लेंगे। तो फिर मैंने तब ये यूट्यूब वाली तरफ आई, और मैं अब हमें जॉब के साथ यूट्यूब और बच्चा सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। अब्दुल समद एक फुल टाइम जॉब है, यानी वो खाता है उसको खाना खाते हुए 1 घंटा लग जाता है, उसको वॉशरूम लेके जाना, वो वॉशरूम खुद नहीं जा सकता, उसका वॉशरूम जाना, उसको धुलाना, डायपर पहनता है वो, तो एक फुल टाइम जॉब है। या फिर मैं करूँ या इफ्रा करे, तो इफ्रा चूँकि आगे पढ़ना चाहती थी उसने कहा मैं दीन की तालीम हासिल करूँगी, तो मैंने इसमें भी उसको अप्रिशिएट किया और उसको आगे मैंने एडमिशन कराया, वो मदरसे जाती है तफसीर पढ़ती है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मेरे बच्चों को सपोर्ट करेंगे, आप एक बच्चे के इलाज को, अगर अब्दुल समद चलता है ये मेरी कामयाबी नहीं हम सब की कामयाबी होगी, तो इस यही सोच के इस बहन को सपोर्ट करें। और आगे जो मेरा मकसद है कि आगे कुछ बड़ा करना है, अपने लिए नहीं, ऐसा कुछ करना है जो एक सदका जारिया बन जाए, एक ऐसा हो कि वो ता हयात चलता रहे, अगर उसमें आप मेरा साथ देंगे उसमें आप ही शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह उसमें मैं अलग व्लॉग बनाऊंगी, अभी इस व्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बल्कि अभी थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।